पांच लाइन के मोर्स दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इसराइली शरपसंद कौम से अरब ममालिक के ताल्लुकात उस्तवार क्या हुए? सऊदी अरब के कानून ही बदले जाने लगे। सऊदी वली अहद ने इंतहाई घिनौना कदम उठाते हुए खतरनाक कार्रवाइयों का हुक्म दे दिया, जिसके बाद मकामाते मुकद्दसा की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई, जबकि आले सऊद में बगावतों ने सर उठाना शुरू कर दिया और सऊदी शाही खानदान दो धड़ों में बट गया। एक इसराइली एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है तो दूसरा ग्रोह इस्लामी इकदार की बात करता है। अंदर की खबर के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने सऊदी वली अहद को खुफिया पैगाम भेजा कि किस तरह दीन से खिलवाड़ किया जाए। इस पैगाम के बाद सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान ने कौन कौन से नए कानून मुतारिफ करवाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं, इसका जिक्र आज की इस वीडियो में किया जाएगा। ताहम नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि पंच लाइन को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि आप तक खित्ते की अहम और ताज़ा सूरत हाल बर वक्त पहुँच सके। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि हर मुसलमान की ज़िंदगी का आइन कुरान पाक है और इस आइन की अवलीन शिक यही है कि एक ऐसा मुआशरा तश्कील दिया जाए जिसमें जुल्म व ज़्यादती का सदेबाब हो सके। अंबियाए कराम के आने का मकसद भी एक ऐसे ही मुतवाजन मुआशरे का क़याम था जिसमें हर एक के हकूक की पासदारी हो और मुआशरे में अमन व सलामती कायम हो। मौजूदा इसराइल में इन यहूदियों की नस्लें आबाद हैं जो अल्लाह के भेजे हुए अंबियाए कराम को कत्ल करने में भी आर महसूस नहीं करते थे, तो इन जल्लादों की नज़र में बेगुनाह फ़लस्तीनियों का कत्लेआम क्या हैसियत रखता है? इनकी रगों में फिरौनियत का लहू गर्दिश कर रहा है। कुरान पाक ने इन जल्लादों की तारीख को बेनकाब किया और बनी इसराइल की इबरतनाक कहानियां बताईं जो कि उस वक्त के कुफारे मक्का थे। और आज भी मामला वही है कि जो शख्स गिरोह या कौम कुरान पाक से सबक हासिल न करे और राह रास्त पर ना आए तो उसे फिर उन सजाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो बनी इसराइल ने भुगती थी। तारीख भी इस बात की गवाह है कि जालिमों के साथ मजलूम भी मारे जाते हैं। दोस्तों, फिक्र की घड़ी तो ये है कि 1.5 अरब की तादाद में मुसलमानों पर चंद लाख यहूदी गालिब आ चुके हैं। मुसलमानों पर एक ऐसी कौम गालिब आती जा रही है जिसको इस्लाम में भी बदतरीन करार दिया गया। ना तो ये तादाद में मुसलमानों से ज़्यादा हैं और ना ही मालो असबाब के हवाले से मुसलमानों के सामने कोई हैसियत रखते हैं, लेकिन आज फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, बजाय इसके कि मुसलमान गैरत ईमानी का इजहार करें, कुरानी असूलों को अपनाएं, इसराइली यहूदी रियासत से ताल्लुकात ख़त्म करें और खुदा के इन दुश्मनों को तन्हा करें, इस पर अमल करने की बजाय इस ज़ालिम रियासत को तस्लीम किया जा रहा है और इस रियासत को मजलूम साबित करके दुनिया में इसके हकूक की पामाली का ढंडोरा पीटा जा रहा है। कभी कोई सहाफ़ी इसराइल की मजलूमियत साबित करने की कोशिश करता है तो कभी कोई मौलाना इसराइल को तस्लीम करवाने की खातिर कुरान पाक की तफसीर पेश करने से काम लेता है। इसी तनाजुर में माजी में भी यहूदियत हमेशा से इस्लाम और अमन के ओछे हथकंडे अपनाती रही, मगर कभी भी मुसलमानों के लिए नरम गोशा नहीं दिखाया। अफसोस की बात तो यह है कि जब उम्मत मुस्लिमा अपने ज़ाती मफादात की खातिर यहूदियत से दोस्ती का हाथ मिलाती है तो ये कुरानी असूल है कि लाख कलमे पढ़ता रहे, खिदमत दीन की बातें करता रहे, अगर यहूद की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो दर हकीकत उन्हीं में से है। इस हवाले से जो ताज़ा खबर सामने आई है उसके मुताबिक सऊदी अरब में 100 से जायद मस्जिदों के इमामों को बरतरफ कर दिया गया, क्योंकि इन 100 मसाजिद के इमामों पर अवाम को इख्वानुल मुस्लिमीन के ख़तरे से खबरदार न करने का इल्ज़ाम है। तफसीलात के मुताबिक सऊदी वजारत इस्लामी अमूर के मक्का रीजन की 100 और अलकसम रीजन की भी कई जामे मस्जिद के इमामों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया। मौजूदा दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक इन मसाजिद के इमामों पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने खुतबा जुमा के दौरान हुकूमती पॉलिसी पर अमल नहीं किया, इसी बायस इनसे इमाम मस्जिद का ओहदा छीन लिया गया। सऊदी हुकूमत ने गुज़श्ता माह 13 नवंबर बरोज़ जुमे के रोज़ मुल्क की तमाम जामे मसाजिद के इमामों को हुक्म दिया था कि अवाम को इख्वानुल मुस्लिमीन के ख़तरे से आगाही फराहम की जाए। ताहम बरतरफ इमामों पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि उन्होंने खुतबा जुमा में अवाम को इख्वानुल मुस्लिमीन के ख़तरे से मुकम्मल तौर पर आगाही फराहम नहीं की। इन इमामों के खिलाफ 2 हफ्ते तवील तहकीकात की गई जिसके बाद इन्हें बरतरफ करने का फैसला किया गया। वाज़ेह रहे कि सऊदी हुकूमत इख्वानुल मुस्लिमीन को दहशतगर्द तंजीम करार देकर इस पर पाबंदी आयद कर चुकी है। सऊदी अरब के इस्लामिक अफेयर्स के मिनिस्टर ने इस बात की तस्दीक की कि गुज़श्ता हफ्ते कई इमामों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया।
सऊदी वजीर ने बात करते हुए कहा कि इन इमामों को इस बिना पर नौकरी से हटाया गया कि मिनिस्ट्री की तरफ से भेजा गया हिदायतनामा कि लोगों को मुस्लिम भाईचारा और इस तंजीम से मुतलका लोगों से हमदर्दी से दूर रखा जाए, जैसे अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो सका। अब्दुल अल लतीफ़ बिन अब्दुल अल अजीज शेख ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वजारत मजहबी अमूर की कोई ज़ाती ख्वाहिश या पसंद नापसंद नहीं थी कि इन मसाजिद के इमामों को मुलाजमत से फारिग कर दिया जाए। ताहम महकमाना हुक्म और आला अफसरान के हुक्म की तामील किस कदर ज़रूरी है ये बताने के लिए ऐसा करना ज़रूरी था, और इन इमाम मसाजिद की नौकरी जाने में असल कसूर उनका अपना ही है क्योंकि वो मिनिस्ट्री की तरफ से मिलने वाले हुक्म नामे पर मनोअन अमल नहीं करवा सके। इन्होंने वजाहत करते हुए मजीद कहा कि इन्हें फारिग करने का ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि वो इख्वानुल मुस्लिमीन तंजीम से मुंसलिक हैं या फिर उनके हामी थे, मगर उन्हें इस जुर्म की सज़ा दी गई कि वो मिनिस्ट्री की तरफ से मिलने वाले हुक्म नामे पर अमल दरामद करवाने में काफ़ी सुस्त थे या बिल्कुल नाकाम थे, लिहाजा अब उनकी जगह ऐसे इमाम मस्जिद तैनात किए गए हैं जो कि ज़्यादा एक्टिव हैं और इन्हें मुनासिब तरबियत भी दी गई है कि लोगों को मुस्लिम भाईचारा तंजीम के तासुर से कैसे निकालना है और इनकी आइडियालॉजी को कैसे नफी करना है। दोस्तों, सऊदी अरब के शाही ख़ानदान के एक फ़र्द ने यह इंकशाफ भी किया कि मोहम्मद बिन सुलेमान अपने सियासी मकसद के लिए इस्लाम का टैग लगाकर फतवा लेना चाहते थे कि इख्वानुल मुस्लिमीन का कत्ल जायज़ है। अगर इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक इंतहाई गैर इस्लामी फेल है कि आप मुफ्ती हजरात से अपनी मर्जी का फतवा लिखवाएं। मुफ्ती हजरात जो कि उलमाए दीन होते हैं वो तमाम तर इस्लामी नुकात को सामने रख कर ही किसी मामले पर फतवा देने के पाबंद होते हैं। अगर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान अपनी मर्जी के मुताबिक फतवा लेना शुरू कर देते हैं तो फिर समझ लें कि मुसलमानों की जान माल और इज्जत को ख़तरा लाहक हो सकता है। अंदर की एक खबर के मुताबिक इसराइली शरपसंद हुकूमत ने ईरान को बर्बाद करने की खातिर सऊदी वली अहद को यह फतवा लेने का हुक्म दिया था क्योंकि इख्वानुल मुस्लिमीन ईरान की हिमायत याफ्ता और ताकतवर मलेशिया है जिसकी एक बड़ी तादाद सऊदी अरब में पाई जाती है। इसराइल इस फतवे की आड़ में सऊदी अरब और ईरान की जंग करवाने के दर पे है। ताहम सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान नताइज की परवाह किए बगैर इस किस्म के घिनौने इकदाम कर रहे हैं जो आने वाले दिनों में यकीनन उनके लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर सकते हैं। इन हालात में सऊदी शाही ख़ानदान के जहीन और काबिल अफराद को चाहिए कि वो इस मामले में सऊदी वली अहद की इसलाह करें क्योंकि हाकम रियासत का एक गलत फैसला पूरी कौम को मरवाने के मुतरादिफ होता है, जबकि पाकिस्तान, तुर्की और दीगर इस्लामी ममालिक को भी चाहिए कि वो सिफारतकारी के जरिए यहूद व नसारा की चालों को सऊदी हुकूमत के सामने बेनकाब। पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दीगर दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।